नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको एटीट्यू के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आपके बीटेक के जो फाइनल ईयर के जितने भी छात्राएं हमारे जो फोर्थ ईयर में है उनके पास एक सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको इनके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। आपकी जो 2023 की जो एग्जाम है इनमें ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और 2023 के एग्जाम जो आपका इवेंट सेमेस्टर का जो एग्जाम इस महीने में जो स्टार्ट हो रहा है इसमें भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सभी छात्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी चाहे जाता है हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। अगर आपको एक इस वाली जो PDF चाहिए ये अगर आपको नोट कर लीजिए, वैसे तो अगर आपको हमारे एटीट्यू के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं टॉपिक्स को। कोड है आपका KHU 701 और KHU 808। जिसके पास है और जिसके पास सब्जेक्ट का नाम है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, ठीक है, उनके लिए ये आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 पहली है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें एक जो पहला मेन टॉपिक बनता है आपका, जो आपका मेन टॉपिक बनता है वो बनता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक है। दूसरा टॉपिक बनता है इस यूनिट से इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है प्रोग्राम्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 1 के ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये आपको 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की तरफ चले तो यूनिट नंबर जो 2 का नाम आपका वो है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। पहला जो टॉपिक बनता है श्रृंखलाकेतन एक्सपेरिमेंट और गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है नीलखोरी एक्सपेरिमेंट और लास्ट में है गहन गांधी, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक ये इस यूनिट्स के मेन टॉपिक है, ज़्यादातर यही दो एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं हर बार, इन दोनों में से एक आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा इस बार में, ठीक है। ज़्यादातर गुड़गांव एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूनिट नंबर 3 की तरफ चले तो यूनिट नंबर 3 का नाम है पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला टॉपिक है इसका बनता है जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट नंबर 3 के, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की तरफ चले तो यूनिट नंबर 4 का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर। पहला टॉपिक बनता है एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट और लास्ट इस यूनिट से टॉपिक बनता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। नेक्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ज़्यादातर इसी यूनिट से ज़्यादा पूछा जाता है, गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप और लास्ट है नीड फॉर एंड स्कोप ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइए, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत छोड़िए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत हो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नई वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।